और मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि करेला यानी बिटर गार्ड को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। हम ये जानेंगे कि इसे किस तरह ग्रो किया जाता है, इसकी केयर किस तरह से होती है, यानी कि हमें इसमें कौन सा सीड यूज़ करना चाहिए, या ये कलम से लगता है या सीड से लगता है ना। हम ये भी जानेंगे कि इसमें किस तरह की मिट्टी यूज़ करना चाहिए, इसे कब पानी देना चाहिए, कितनी धूप मिलना चाहिए, इसे इस्तेमाल करने के लिए इसे ग्रो करने के लिए, इसके बीज को इस्तेमाल करने के लिए हमें किस तरह का गमला या पॉट यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसे कितने पानी और धूप की ज़रूरत होती है। और सबसे ख़ास बात हम ये भी जानेंगे कि इसमें फ्रूटिंग यानी करेला हमें कब खाने को मिलता है ना। ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे। इस छोटी सी वीडियो में हम सारे पॉइंट्स एक साथ कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऑडियंस उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ एकदम फ्री में होता है ना। चलिए अब हम अपने पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसे किस तरह से ग्रो किया जाता है, यानी इसे बीज से ग्रो किया जाता है या कलम से। तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि हमें इसे बीज से ग्रो करना चाहिए और बीज से ही ये ग्रो होता है। अब इसका बीज या सीड्स या तो हम नर्सरी से ले सकते हैं या ऑनलाइन बुला सकते हैं, लेकिन इसका सबसे सिंपल सा रास्ता यही है कि हम जो रोज़ाना अपने सब्ज़ी वाले से लेकर जो हम बिटर गार्ड यानी करेला लेते हैं, उसे हमें अपने घर में 2-3 दिन यूँ ही पकाने के लिए यानी पक्का होने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब वो थोड़ा रेड हो जाता है, थोड़ा पक जाता है, उसके बाद हम उसे अगर खोल कर देखेंगे तो हमें उसमें बहुत ही सॉलिड अच्छे और ड्राई सीड्स मिल जाते हैं। हमें उसे 2-3 दिन धूप में सुखा सकते हैं, यूँ हवा में सुखाकर हम उसके बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं किस तरह की मिट्टी यूज़ करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमें 50% अपने गार्डन सॉइल यूज़ करना चाहिए और 50% इसमें वर्मी कॉम्पोस्ट यानी केचुए की खाद हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए या पेस्टिसाइड। देखिए, पेस्टिसाइड तो हम इसमें केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिटर गार्ड है जिसे हम खाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र अगर हमें यूज़ करना है तो हम वो भी होममेड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने, जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया कि बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बन सकता है, अब हम होममेड उसे बना सकते हैं। यह हमारी पिछली वीडियो में आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। इसके साथ पेस्टिसाइड की बात करें तो आप नीम ऑयल का पेस्टिसाइड इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि हमें इसमें कितनी धूप की ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ा टची पौधा होता है, प्लांट होता है, तो हमें इसे ज़्यादा धूप नहीं देना चाहिए, बल्कि इसे लाइट शेड एरिया में पार्शियल धूप में ही रखना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं कि हमें इसे कब ग्रो करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमें इसे अप्रैल से जुलाई तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर हाइब्रिड का बीज अगर हम सीड्स ऑनलाइन बुलाते हैं या खाद की दुकान से अगर हम लेते हैं तो उस बीज को हम 12 महीने कभी भी यूज़ कर सकते हैं और कभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी फ्रूटिंग की, है ना। तो इसकी फ्रूटिंग हमें 1 से 2 महीने, अगर ये हाइब्रिड का है तो हमें 2 महीने के बाद इसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग मिल जाती है, और अगर ये ऑर्गेनिक है तो थोड़ा टाइम लगता है, ये 3 से 4 महीना हमें फ्रूटिंग देने में लगा सकता है ना। अब बात करते हैं इसके पॉट की। तो सबसे बेस्ट वे तो इसको ग्रो करने का यही होता है कि हमें इसे ज़मीन में लगा दिया जाए। लेकिन मान लो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो हमें इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे पॉट में, ये देखिए हमने कितने छोटे से पॉट में इसे ग्रो किया है, और हम इसे इसमें ग्रो कर सकते हैं। और बाद में हम इसे अगर हमारे पास ज़मीन है तो उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और या फिर हमें इसे किसी बड़े से पॉट में भी हम, या बड़े से गमले में हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम साथ ही साथ लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि हमें इसे किस तरह से ग्रो करना चाहिए, और इसकी अपडेट भी हम देखते हैं कि चलो हमने इसे किस तरह से ग्रो किया है ना। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, है ना। ये देखिए हमने ये करेले के सीड लिए है, ये हमारे होममेड सीड है, मतलब हमने जो घर में करेला पकाया था, सब्ज़ी बनाया और एक करेले उसे उठाकर रख दिया, दो तीन दिन उसे पकने के लिए छोड़ दिया, और जब वो लाल हो गया तो हमने उसे सीड्स को यूज़ करने निकाल लिया। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो देखिए हमने ये 50% गार्डन सॉइल और 50% हमने वार्मिंग कंपोस्ट इसमें ले लिया है ना। अब ये हमारे पास बीज है, ये कितने बीज है हमारी, 8-10 बीज है। हमें क्या करना है कि हमें ये सिंपली इसे इस तरह से जमा देना है, हमें ज़्यादा बीज नहीं लेना है। ये देखिए 8 से 9 बीज है हमारे, इतने गमले में, ये 8 इंची का गमला है, इसमें
आठ से नौ ही, नौ बीज हमारे काफ़ी होते हैं, हमें ओवरक्राउड नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा हम 15-20 बीज डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएंगे, ओवरक्राउड हो जाएंगी, है ना। ये हमने इस तरह से इसके डिस्टेंस पे, हमने 3-3 इंची के डिस्टेंस पे इसे जमा लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो कॉम्बिनेशन है वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का, ये ऑलरेडी हमने बना के रखा था। अब हमें क्या है, सिंपली इसमें एक हल्की सी इसकी लेयर जमा देना है। ये देखिए इस तरह से हमने जमा दिए, और ये देखिए जैसे कि हमने बताया कि ये वर्मी कंपोस्ट है, और माय गुडनेस ये देखिए हमें इसमें एक वॉर्म भी मिल गया है, ये केचुआ है। मैंने आपको बताया जिस तरह से कि हम ये वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, और देखो वर्मी कंपोस्ट में हमें ये वर्म यानी ये केचुआ जो बोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, केचुआ ही कहते हैं ना, हाँ, ये देखिए इसके अंदर ये ज़िंदा केचुआ हमें मिल गया है ना। ये देखिए किस तरह से ये हरकत कर रहा है, हमें इसे फेंकना नहीं है, हमें इसमें दोबारा मिट्टी में डाल देना है, क्योंकि ये तो मिट्टी का दोस्त ही होता है और हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब हम क्या करना है, हमें हल्का सा चारों तरफ से पानी स्प्रिंकल कर देंगे और इसे इस तरह से छोड़ देंगे। अब हमें हल्का सा स्प्रे रोज़ाना करना है, और अब हम देखेंगे कि हमारे बीज किस तरह से ग्रो होते हैं और कितना टाइम लेते हैं, है ना। एक हफ्ता बीत चुका है, और चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे ये बीज कहाँ तक ग्रो हुए हैं, जर्मिनेट हुए हैं। वाओ, ये देखिए कितना शानदार हमारा रिजल्ट मिला है। हमारे 9 में से 8 थे ना शायद, हाँ 8 या 9 में से हमारे जो 8 सीड्स थे उसमें से हमारे ये 4 सीड्स अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं, जर्मिनेट हुए, और उनका ये छोटा छोटा प्लांट भी बन गया है ना। ये देखिए, और आई एम 100% श्योर कि अंदर जो हमारे जो 4-5 बीज और जो बाकी पड़े हुए अंदर दबे हुए हैं, वो भी कुछ दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे और वो ज़रूर बाहर आ जाएंगे, है ना। अभी तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमने ये ऑर्गेनिक बीज लिया था, ये हाइब्रिड बीज नहीं था, फिर भी हमें इसे 1 वीक में कितना अच्छा शानदार रिजल्ट मिला है। चलिए अब और इंतज़ार करते हैं। ये देखिए 2 हफ्ता बीत चुका है, और अब देखते हैं, वाओ ये देखिए इसका अभी कितना शानदार और अच्छा हमारे रिजल्ट मिला है। और ये ऑर्गेनिक बीज है, घर के बीज है, जो हमने अपने सब्जी के करेले से निकाला था, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट, बहुत ही ताज्जुब की बात है, क्योंकि ये इस तरह के रिजल्ट हमें हाइब्रिड में देखने को मिलते हैं, जबकि हमने जो करेले यूज़ किए थे, करेला खाने के लिए यूज़ किया था, वो बहुत ही छोटे छोटे थे, है ना, यानी वो ऑर्गेनिक ही थे, उसमें हाइब्रिड जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी देखिए अब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे अभी ये ग्रो हो गए हैं अच्छी तरह से। देखो इसका जर्मिनेशन हुआ, फिर ये प्लांट बने, और अब ये 15 दिन के बाद कितना अच्छा इसका ये हो गया है रिजल्ट, मतलब हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें सिंपली इसे दूसरे पॉट में एक तरह से ट्रांसप्लांट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, हम इसे रिपोर्ट कर देंगे। ये हमारे जिस जब हमारे पूरे 8 या 9 बीज अच्छी तरह से प्लांट बन जाएंगे, तो हम इसे दूसरे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद फिर हम जब इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होंगी, तब हम एक और नई वीडियो बनाएंगे आपके साथ, फिर से उसको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हम ये सोचते हैं कि इसे इस तरह से ही पड़े रहने देना चाहिए, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जब आपके इतने तरह प्लांट बन जाए, तो आप सिंपली इसे रोज़ाना पानी देना है, इंतज़ार करना है, और एक दिन हमारे इस प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़रूर होंगी। तब हम आपके साथ एक नया वीडियो लेके उस नए अपडेट के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।